तो हेलो, तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि भाई 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो भाई उसका रीज़न है कि GTA में मैं जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने भाई एक शोरूम परचेस किया है। चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको शोरूम दिखाता हूँ। और हाँ भाई, कुछ टाइम तक शायद वीडियोस ना आए GTA San Andreas की, बाकी मैं कोई और गेम की वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई अभी GTA San Andreas में जो है ना बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ मैं, शोरूम खरीद रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही जाइए उसमें मस्त मस्त कार्स आने वाली हैं, सब कुछ आने वाला है भाई। बस अब हम लोग फटाक से शोरूम की ओर चलते हैं। हाँ भाई, वही शोरूम है जो पिछली बार हम लोगों ने ख़रीदा, बट पिछली बार हम लोगों ने आधा शोरूम लिया था, इसलिए हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया है। इस बार हम लोगों ने पूरी बातचीत करके, उसके जो न्यू ओनर थे भाई, वो पहले हमारा हुआ करता था। भाई मैं सोच रहा था आज गाड़ी का बम्फर भी ना लगे, तो भाई वो पहले ही लग गया, गाड़ी निकालते ही लग गया। चलो अब फटाफट चलता हूँ मैं शोरूम की तरफ। हाईवे के नीचे है भाई शोरूम, ग्रीन कलर का। इस बार हम लोगों ने 2 बिल्डिंग लिए हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने पैसे तो 2 ही बिल्डिंग के दिए थे, बट हम लोगों को पता नहीं था तो हम लोगों ने 1 बिल्डिंग ले लिया था। भाई ये वाली गाड़ी चलाने ना फन टू ड्राइव, बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। देखो ब्रेकिंग तगड़ी है, फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है इसकी, हम लोग टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहेंगे। जैसे शोरूम खुल जाएगा ना, ये देखो भाई पहुंच गए हम लोग हमारे शोरूम। थोड़ी सी आगे और चलना और हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे शोरूम। ये लेफ्ट वाली जो बिल्डिंग, राइट वाली जो बिल्डिंग है वही है हमारा शोरूम। ये रहा भाई, इसके अंडरग्राउंड एक टनल है और दूर से इतना कुछ बड़ा है, जैसे अगर आप लोग पैदल आते हैं तो आप लोग यहाँ से जाएंगे गाड़ी लेके, फिर वहाँ से नीचे आएंगे। अगर आप लोगों को सर्विस करवाने जाना है, जैसे एंट्री तो यहाँ से होगी, लोग आएंगे, ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, आके यहाँ से अपने ऊपर जाएंगे और फिर सारा सिस्टम देखेंगे, ठीक। यहाँ से ऐसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर आके और दिखाता हूँ आपको बाद में। एक गाड़ी खड़ी है अभी शोरूम में, तो वो हमारी नहीं है अभी, जब शोरूम के पेपर वेपर हमें मिल जाएंगे तो वो दोनों गाड़ियाँ भी हट जाएंगी। नीचे एक सर्विस के लिए खड़ी थी और एक ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं चलता हूँ अभी अपने शोरूम के अंदर, जिसको सर्विस करवाना है वो यहाँ आएगा भाई। यहाँ पे जैसे ये गाड़ी आई है एक सर्विस के लिए, क्योंकि शोरूम ओपन है हमारा, बस उसमें कार्स नहीं है, यहाँ पे आएगी गाड़ी, सर्विस होगी यहाँ पे, वही नॉर्मल यहाँ से ऊपर। यहाँ गाड़ी सिर्फ हमारी ऊपर जा सकती हैं, बाकी यहाँ गाड़ियाँ लग जाएंगी। जैसे ये एक लगी है, ये हमारी गाड़ी तो नहीं है, बट समझ लो हम ही खरीद लेंगे इसको अभी कुछ टाइम के लिए। ये गाड़ी मैं यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ, बाकी यहाँ गाड़ी चढ़ाना सख्त मना है, यहाँ सिर्फ स्टाफ की कार आ सकती है। और भाई पिछली बार हम लोगों ने कुछ इतनी बिल्डिंग ली थी बस, और भाई इस बार हम लोगों ने इसके लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग भी ली है, वो ऑफिस है। यहाँ पूरे में गाड़ियाँ रहेंगी, जो मेन मेन गाड़ियाँ हैं वो, जैसे ये मेरी GT हो गई, GT जैसी गाड़ी तो शायद ही मैं इम्पोर्ट करवाऊँ, बट जो भी महंगी महंगी कार्स होंगी वो यहाँ पे ऐसा खड़ी रहेंगी, और जो सस्ती कार होंगी वो वहाँ पे रहेंगी। और भाई अब ये CJ को जो है हम लोग कपड़े वपड़े भी दिलवाएंगे, क्योंकि भाई बेचारा इतना अमीर है उसके बाद भी। और हाँ भाई, आज हमारा जो मेरा और राइडर की चोरी का पैसा है वो बटने वाला है, पिछली बार तो नहीं बांट पाए थे हम लोग, आज हम लोगों को आधा आधा पैसा करना पड़ेगा। देखते हैं हमारे पास कितने मिलियन डॉलर बचते हैं। 100 मिलियन डॉलर की चोरी करे थे, 50 मिलियन उसके, 50 मिलियन मेरे, तो मैं उसको पूरे 50 मिलियन दे दूंगा, क्योंकि उसने भाई 1 भी रुपये खर्च नहीं करे हमारी तरफ से। फिर देखते हैं हमारे पास कितने बचेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम लोग गाड़ी को जो है नीचे उतारते हैं यहाँ से, और ये जो है स्टाफ की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी लग सकती है बस, और कोई की नहीं, स्टाफ की भी नहीं, सिर्फ मेरी, ओनली बॉस। और ज़्यादातर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा भाई, ज़्यादातर मैं अपने दूसरे इलीगल काम को करा करूँगा, और जैसे गाड़ी वाड़ी इम्पोर्ट करना, ये सब काम करा करूँगा, यहाँ मेरी गाड़ी रहा करेगी। देखो ऑफिस रहेगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ चेयर वेयर डलवा देंगे, यहाँ चेयर रहेंगी, यहाँ पे पूरी डील होंगी ऊपर। और जैसे जो सीक्रेट कार, हम लोगों ने पूरा शोरूम बनवाया है, देखो
जैसे यहाँ पे कुछ कार वार छुपा के रखने, लिफ्ट के थ्रू गाड़ी हम लोग यहाँ ले आया करेंगे, कुछ कार यहाँ बाइक वाइक आ जाया करेंगी। ओके, तो कार और बाइक का बेसिकली शोरूम है, हम लोगों ने दो शोरूम खरीदे हैं बट ऑफिस एक ही है। यहाँ पूरे में बाइक रहेंगी ऊपर वाले फ्लोर तक, तो अभी तो मैं नीचे चलता हूँ। थर्ड फ्लोर तक ये पूरी बिल्डिंग हमारी हो गई है। ओके, तो ऐसा कुछ है हमारा नया शोरूम। तो अभी भाई मेरे को राइडर ने बुलाया, तो चलो राइडर के पास चलते हैं, उसके पास पैसे बटते हैं। ये भाई दूसरी साइड है, यहाँ पे देखो जैसे डील यहाँ पे भी हो सकती है। अरे जैसे कोई यहाँ से जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो बिल्डिंग के उस पार भी है, यहाँ से नहीं जा सकते भाई। देखो वहाँ हमारी जीटी खड़ी है, यहाँ पे पूरी डील वील हो सकती है। ओके चलो अब हम चलते हैं हमारी, जैसे देखो भाई यहाँ पे सब लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, बारिश वारिश का टाइम रहेगा तो अंदर कर देंगे, सर्दी का टाइम रहेगा तो बाहर कर देंगे, और गर्मी का टाइम रहेगा तो अंदर कर देंगे। तो ऐसा कुछ रहेगा, हमारे यहाँ पे स्टाफ बैठेगा, यहाँ बातचीत होगी, डील वील होगी, और फिर डिलीवरी एरिया भी दिखा देते हैं हम आपको। अभी मतलब बेसिकली शोरूम पूरा बना नहीं है, शोरूम को बनने में अभी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। देखो जैसे ये हमारी कार है, हम लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे और निकल जाएंगे, तो डिलीवरी एरिया जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये रहेगा डिलीवरी एरिया, यहाँ पर पूरी गाड़ियों की डिलीवरी देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी लेके चले जाएंगे। अभी इसमें कार नहीं आई है, बस शोरूम शोरूम परचेस किया है हम लोगों ने। कोई कार ख़रीदता है तो उसकी कार यहाँ से ऐसा हम ही लोग नीचे उतारेंगे, किसी भी बंदे को परमिशन नहीं है यहाँ इतने से नीचे उतारने की, किसी भी बंदे को परमिशन नहीं रहेगी। यहाँ से निकाल सकते हैं, सर्विस एरिया से सिर्फ चढ़ा सकते हैं, निकालेंगे भी हम ही। तो ओके गाइस, मैं अभी आपको राइडर के पास चलता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मिलता हूँ। तो भाई मैं राइडर से बात बात करके आ गया हूँ। तो भाई मेरे पास जो पैसा बचा है भाई, वो पूरे 29 मिलियन डॉलर है अभी मेरे पास। बस भाई आधा पैसा हम लोगों ने फालतू में उड़ा दिया भाई। सोचो हमारे पास 50 मिलियन डॉलर होने रहे, बट हम लोगों ने आधा पैसा उड़ा दिया। ओके तो चलो अभी तो हम लोग चलते हैं। ये थार मैंने बाहर निकाल दिया हूँ, यहाँ पर हमारी जीटी खड़ी है, और अभी अभी मैंने इसको बनवा के लाया हूँ। उसका सामने का बम्पर और साइड का गेट लड़ गया था, थोड़ी एक गाड़ी ठोक दी थी। तो ये रही हमारी थार। भाई लगती तो अच्छी है बट चलने में उतनी कुछ खास नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, बट भाई मैं जीटी चला के आता हूँ ना, उसके बाद थार चलाता हूँ तो भाई थोड़ी मज़ा से नहीं आता। अगर मैं थार ही थार बस चलाऊँ, थार के बाद जीटी चलाऊँ तो हाँ थोड़ा ठीक रहेगा, बट ओनली जीटी ही जीटी। एक ओ भाई, हमें भी हमारी थार ऐसी करवानी चाहिए क्या भाई, अच्छी लग रही है ना वैसे। ठीक है भाई, अगर इस वीडियो में अगर कमेंट आते हैं, 5 कमेंट आते हैं कि हाँ भाई करवा दो, तो हम लोग करवा लेंगे। ओके तो चलो यार गाइस, आज की इस वाली वीडियो में नहीं, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।